Assalamu alaikum dear students, I hope that you all are doing well. Today I am going to explain erga omnes rules in international law. Erga omnes Latin term hai, jiska matlab hai towards all or towards everyone. Means ke in rules ki application har ek state par hogi. Kyunki international law ke andar jo central subject hai, wo states hai. So hum ye keh sakte hain कि ergo omnes rules उन obligations को कहते हैं जो कि एक state international community की तरफ as a whole जिनको एक state को observe करना होता है, यानी ये state के वो फराइज हैं जो कि एक state को तमाम दूसरी states की तरफ पूरे करने होते हैं. याद रखिए कि ergo omnes rules वो rules हैं जिसमें state के bilateral relations matter नहीं करते. ये रूल्स, ये ऑब्लिगेशंस हर हाल में स्टेट्स को फॉलो करनी है, उनको अबाइड बाय करना है. दीज आर द ड्यूटीज दैट ऑल स्टेट्स हैव टू अपहोल्ड एंड रिस्पेक्ट रिगार्डलेस ऑफ देयर स्पेसिफिक रिलेशंस विद ईच अदर. दो स्टेट्स के रिलेशंस एक दूसरे के साथ अच्छे नहीं है, दे आर नॉट फ्रेंडली विद ईच अदर, इट डज नॉट मैटर. उन्हें इन रूल्स को हर हाल में पूरा करना है, और अगर कोई स्टेट इन रूल्स को वायलेट करेगी तो कोई भी दूसरी स्टेट, चाहे वो पहली स्टेट के एक्शन से डायरेक्टली इफेक्ट ना हो रही हो, वो उस स्टेट के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल ऑब्लिगेशंस हैं. जब ये यूनिवर्सल ऑब्लिगेशंस हैं तो डेफिनेटली दे आर बाइंडिंग टू ऑल स्टेट्स, और हर एक स्टेट को इन ऑब्लिगेशंस को, इन रूल्स को, इन ड्यूटीज़ को मस्ट ऑब्जर्व करना है. अगर हम एग्जांपल की बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ जेनोसाइड, ये एर्गा ओमनिस रूल्स में आती है. हर एक स्टेट की ये ड्यूटी है, उसका ये फरीज़ा है कि वो जेनोसाइड एक्ट्स को प्रिवेंट करे, उनको रोके, और अगर कोई दूसरी स्टेट कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन ले. स्लेवरी, प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, ये भी एर्गा ओमनिस रूल्स में ही आता है. तमाम जो स्टेट्स हैं वो हर किस्म की स्लेवरी के खात्मे को यकीनी बनाएं, उसके लिए काम करें. प्रोटेक्शन अगेंस्ट टॉर्चर, इसी तरह से जो टॉर्चर है ये भी यूनिवर्सली प्रोहिबिटेड है, यानी इसको ममनू करार दिया गया है. राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, तमाम जो अकवाम हैं, जब तमाम जो लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल स्टेटस को ख़ुद डिटरमिन करेंगे कि उन्होंने एक स्टेट के साथ रहना है या एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन स्टेट की शक्ल में उन्होंने सर्वाइव करना है, और अपने इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को वो कैसे परसू करना चाहते हैं. राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इसी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की बुनियाद पे 20th सेंचुरी के स्टार्ट में अर्बन में बहुत सारी नए स्टेट्स इस दुनिया के नक्शे पर मार्ज़े वजूद में आई. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है एर्गो ओमनिस रूल्स और ऑब्लिगेशंस का, इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सेवरल केसेस के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है. खास तौर पे 1970s में बार्सिलोना ट्रैक्शन केस के अंदर एर्गो ओमनिस रूल्स को इनकॉर्पोरेट किया गया, और इसके मुताबिक ही डिसीशंस लिए गए. कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं अगर कोई स्टेट इन यूनिवर्सल रूल्स और ऑब्लिगेशंस को डिसओबे करती है? तो कोई भी स्टेट उस स्टेट के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती है, और उसके अगेंस्ट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के में जाके तो उसके अगेंस्ट कंप्लेन करके जो भी लीगल प्रोसीजर्स हैं उन्हें स्टार्ट कर सकती है. इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं एर्गो ओमनिस रूल्स, व्हाई इट मैटर्स? बेसिकली ये फंडामेंटल वैल्यूज़ और फंडामेंटल राइट्स और पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए इन रूल्स को यूनिवर्सल इम्पोर्टेंस दी गई है, ताकि इनकी, यानी ये इतने अहम हैं, इतने इम्पोर्टेंट हैं कि सब स्टेट्स इनको फॉलो करें, इनको ऑब्जर्व करें. दे इंश्योर दैट सर्टन नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स आर अपहेल्ड ग्लोबली, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स. सो बेसिकली ये तीन ऑब्जेक्टिव हैं जिनको अचीव करने के लिए ये जो रूल्स हैं ये एज अ टूल यूज़ किए जाते हैं, इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को. अब हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं, और सिंपल एग्जाम्पल ये है कि आप इमेजिन करें जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे ये रूल है कि नेबरहुड में से कोई भी जो कॉमन पार्क है उसमें
ट्रैश डंप नहीं करेगा, कूड़ा क्रिकेट वहाँ पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। अब ये जो रूल है ये उस इलाके में रहने वाले तमाम लोगों के ऊपर इक्वली अप्लाई होता है और हर किसी की ड्यूटी है कि वो खुद भी इस रूल को फॉलो करे और इस बात को यकीनी बनाए कि बाकी भी इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई इस रूल को ब्रेक करता है, इसको वायलेट करता है, तो कोई भी नेबर जाके कंप्लेन कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि वो नेबर ही कंप्लेन करे जो इस वहाँ पे ट्रैश डंप करने से डायरेक्टली मुतासिर हुआ है, डायरेक्टली अफेक्ट हुआ है। एक वो शख्स जिसका घर बहुत दूर है लेकिन वो उस एरिया के अंदर आता है, वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं हो रहा, इनडायरेक्टली तो डेफिनेटली अफेक्ट होगा क्योंकि पोल्यूशन और ये सारी चीज़ें होंगी, तो वो भी जाके इसकी कंप्लेन कर सकता है और जो जिसने ये काम किया है, जो कल्प्रिट है, उसके अगेंस्ट जो भी प्रोसीजर है वो कंटिन्यू हो, वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि उससे पनिश किया गया है या नहीं किया गया, ताकि जो बाकी नेबरहुड्स में रहने वाले लोग हैं वो मेंटली और उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये जो रूल्स हैं वी आर सपोज टू अपहोल्ड देम, टू रिस्पेक्ट देम एंड टू ऑब्जर्व देम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।